और फिर मैं कैब में बैठ गया क्योंकि बैंगलोर के लिए निकलना था पुणे से। फिर एयरपोर्ट पे जस्ट मैं पहुंच ही गया था पुणे में, उसके बाद चेक इन करके जस्ट फ्लाइट में पहुंचा, उसके बाद फिर बस बैठ गया अपनी सीट पर और एक बुक ले लिया हाथ में ताकि रीड करते हुए जाऊं। और फिर शुरुआत हुई कॉफी और एक सैंडविच से जो कि बहुत मैंडेटरी था। फिर उसके बाद हम लैंड हो गए, देख सकते हो आप काफी सारे प्लेन्स थी। ये बैंगलोर का एयरपोर्ट है, बस लैंड होते ही फिर एयरपोर्ट से थोड़ा सा वॉक करते करते बस यू ही वीडियो बना लिया थोड़ा सा। उसके बाद बस बाहर आते ही फिर कैब के वे में मैं पहुंच गया और वहां पर काफी सारे कैब्स थे तो वहीं से मैंने कैब लेकर रूम पहुंच गया। रूम ले लिया है मैंने, थोड़ा टायर्ड था इसलिए अब तक ऑफिस नहीं गया हूँ। 9 बज के जा चुके, 4:30 बजे का फ्लाइट था मेरा। मैं आपको मेरा बालकनी का व्यू बताता हूँ। सो दिस इज द व्यू, सी देखना कितना ग्रीन हुआ है, बारिश हो रही है यहाँ पर भी बैंगलोर में तो उसकी वजह से इतना अच्छा व्यू आया है। ये कॉम्बिनेशन है मेरा पैंट और शर्ट का, आज बूट्स पहनने वाला हूँ मैं जारा के, और उसके साथ ये रहा बेल्ट, तो ये कॉम्बिनेशन है आज का। फाइनली हो गया हूं मैं रेडी, बाल भी सेट हो गए हैं, अब बस बैग उठाना है और निकलना है। आज थोड़ा लेट हो गया मुझे जाने के लिए, 10 बज चुके, बट इट्स ओके, सो लेट्स गो। फिर रेडी होकर मैं निकल गया ऑफिस के लिए और ये थोड़ा रास्ते में मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया तो देख सकते हो आप। ये फिर ऑफिस पहुंचते ही ये मेरा ग्राउंड फ्लोर है, फिर उसके बाद मैं पहुंच गया अपने फ्लोर पर। सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ माय फ्लोर, सो या दिस इज द फ्लोर इन एक्चुअल। सो यहाँ पर आगे जाकर फिर मैं भी बैठ जाऊंगा अपने डेस्क पर। सो हियर फिर मैं बैठ गया फ्लोर पर एक अच्छे से जगह देखकर अपना लैपटॉप लेकर, और फिर सोचा शुरुआत ईमेल से करता हूँ जो मैं यूजुअली करता हूँ। पहले मैं अपने सारे ईमेल्स चेक कर लेता हूँ क्योंकि काफी सारे ईमेल्स आते हैं जो कि जिसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट्स होते हैं। फिर देखने के बाद मुझे लग गई थोड़ी सी भूख, फिर मैं अच्छे से बालकनी का व्यू लेते हुए उसके बाद स्नैक्स सेंटर पर पहुंचा और वहीं से फिर एक व्यू भी लिया और वहीं पर जो भी पसंद आ रहा था स्नैक्स में वो उठाया। देख रहे हो आप एक बंदा ऑलरेडी ले रहा है वहीं से, तो वहीं से लेते, साइड में फ्रिज भी, और ये रहा फ्लोर का नजारा। उसके बाद फिर डेस्क पर आते ही मैंने शुरुआत किया अपने पेंडिंग इंसिडेंट्स और टिकेट्स और स्टोरीज पर काम करना। वही स्टोरीज पर मैं काम कर रहा था जो मुझे अपने ग्रूम करवाना है या ऑलरेडी जो मेरे पेंडिंग है उस पर काम कर। हम लोग का प्रोजेक्ट एक्चुअली गो लाइव हो चुका था तो जिसकी वजह से आज लंच था, तो फिर मैंने सोचा कि कॉफी पी लूं और उसके लिए फिर मैंने मशीन से कॉफी ली और अपने ग्राउंड फ्लोर पर मैं पहुंच गया था। वहीं से कॉफी ली मैंने और फिर वहीं पर मैंने बुक पढ़ते पढ़ते अपने कॉफी का सिप लिया, वहीं पर बैठे बैठे फिर थोड़ा सा रीड कर लिया, सोचा थोड़ा रीडिंग इज गुड फॉर द हेल्थ। उसके बाद फिर हम लोग निकल पड़े अपनी लंच की ओर। फिर वहीं पर पहुंचे तो काफी सारे ऑप्शंस थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या खाए क्या नहीं, तो काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट मेन्यू थे, मेन्यू में डिशेस थी तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सा लेना है कौन सा नहीं। और उसके बाद काफी सारे स्ट्रगल के बाद मैं कुछ ले पाया अपने फ्रेंड से। उसके बाद आई एंडेड अप विद आइसक्रीम्स एंड स्वीट्स, सो दिस इज हाउ इट द डे वाज। फिर इवनिंग में मेरा स्क्रम कॉल होता है एज यूजुअल डेली का, वेयर वी डिस्कस स्टोरीज विच आर नीड टू बी एडेड और ग्रूम्ड इन अपकमिंग स्प्रिंट। और उसके बाद जो ऑलरेडी ऑन गोइंग स्टोरीज होती है मेरी जो ऑलरेडी स्प्रिंट में चल रही है, सो वी डिस्कस देम कि उसके अंदर कुछ इश्यूज है, उस पर कोई टेस्टिंग पेंडिंग है या फिर कोई डेटा सेट से डेटा पर कुछ काम करना है या फिर कुछ कॉन्वर्जेशन है, सो काफी चीजें। उसके बाद फाइनली हम लोग का डिनर भी था रात में, सो वी एंडेड अप द डे लाइक।